हाँ बच्चों, पिछले टर्न पे आपने समुच्चय में इसका थ्योरी और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पर कुछ सवाल करेंगे और कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो आपने पिछले टर्न पे पढ़ा था बैन आरेख तक, और बैन आरेख के आगे कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले बैन आरेख के कुछ उदाहरण लेते हैं। आपको पहले बताया था बैन आरेख, इसमें जो आयत बनाते हैं ये यू को प्रदर्शित करता है, यूनिवर्सल सेट शाब्दिक समुच्चय, और इसके अंदर जितने भी समुच्चय की बात होती है उसको लिया जाता है, और कुछ भाग इसमें कॉमन लिया जाता है ताकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ बनी रहे। तो ये पार्ट आपका कहलाता था ए इंटरसेक्शन बी। और अंतर समुच्चय भी देखा था आपने, ए और बी हैं, अगर ये ए है ये बी है तो ये जो पार्ट था इतना ये कहलाता था ए माइनस बी, और बी माइनस ए वाला पार्ट ये हो जाएगा। और इसके बाद आपने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा था, सिमेट्रिक डिफरेंस का चिन्ह ये था आपका ट्रायंगल की तरह, ये कहलाता था सिमेट्रिक सममित अंतर, हिंदी में बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इंटरवल के बारे में भी पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हम इसमें कुछ सूत्रों की और बात करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर अवयवों की संख्या पर हमें बात करनी है। तो आज हमें बात करनी है इनकी, अवयवों की जो संख्या होती है उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, यानी एन पे। अगर हम एन लगा देंगे आगे, यानी एन ए, ये प्रदर्शित करेगा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यानी जब भी सेट में हम ब्रैकेट लगा के एन लगा देंगे इस तरह, तो ये संख्या को गलत करेगा। एन ए को पूरा कहा जाएगा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। इसी तरह एन बी, यह होगा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। और अगर लिखा है एन ए यूनियन बी, तो ये कहा जाएगा ए यूनियन बी में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब अलग अलग है। ए यूनियन बी को क्या पढ़ते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को क्या पढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए अथवा बी, ए में हूँ अथवा बी में हूँ, ए और बी, और का मतलब क्या होता है इधर अथवा, यानी ऐसे अवयव जो ए में हों अथवा बी में हों वो लिए जाते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी, यानी इसका मतलब हुआ ए में हूँ व बी में हूँ। तो इस अंतर को जरा ध्यान रखेंगे, यानी यूनियन का मतलब होता है ए और बी में से किसी में भी हों तो ले लिए जाएंगे। यूनियन का मतलब ये होता है कि सबको हमें लेना है, कोई रिपीट नहीं करना। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में हो कॉमन पार्ट हो, तो इनका मतलब भी ध्यान रखिएगा ए एंड बी और ए और बी, इसको आगे भी इसकी ज़रूरत होगी। तो एन ए यूनियन बी को हम क्या कहेंगे कि ए अथवा बी में अवयवों की संख्या, इसको क्या कहा जाएगा एन ए यूनियन बी को, ए और ए अथवा बी में, और या अथवा एक चीज़ है ए अथवा बी में अवयवों की संख्या। प्रायिकता में भी आ गया आपका इसका यूज होगा। इसी तरह एन ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा है तो इसको कहा जाएगा ए और बी में अवयवों की संख्या, ए और बी में अवयवों की संख्या जब वैल्यू दी जाएगी तो इधर आपको ध्यान देना ए और बी में अवयवों की संख्या। इंटरसेक्शन का मतलब और यूनियन का मतलब अथवा, ठीक है। आप इसके आधार पर एक सूत्र बनता है, तो इस सूत्र की हमें बात करनी है, फिर इसको हमें जनरलाइज भी करना है। तो इस सूत्र का खास तौर पर सवालों में यूज होता है,
तो स्पैम सूत्र देखते हैं पहले, यानी एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए, यानी ए अथवा बी में अवयवों की संख्या बराबर होगी ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या। अब होगा क्या, जो अवयव ए और बी दोनों में होंगे वो डबल जुड़ जाएंगे जबकि जोड़ना एक बार चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, ये हमें घटाना होगा तो ये अब इक्वल हो जाएगा। तो इस पर आपके सवाल बनेंगे, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही होगी, दो ग्रुप की बात हो रही होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो है यानी विसंगी समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, यदि ए व बी डिसज्वाइंट सेट है या विसंगीत है, अगर ये डिसज्वाइंट है तो इंटरसेक्शन बी भाई होगा, उस केस में आपका फॉर्मूला होगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा ठीक है। तो अब इसी तरह हम इसको तीन के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं और इस पर सवाल भी बनेंगे, तो सवाल भी दे देंगे। इसी फार्मूला को हम तीन के लिए देखते हैं, माना ए बी सी कोई तीन समुच्चय, तो इसी आधार पर इसका सूत्र बनेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए अथवा बी अथवा सी में अवयवों की संख्या, ये बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, अब दो दो पार्ट कॉमन आएंगे पेयर बनेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहाँ पर जब आप इसे घटाएंगे तो एक बार इसका पार्ट जोड़ना भी चाहिए, वो एक बार ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको इधर ये और ऐड करना होगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ध्यान देंगे और ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह हम इसको एन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, ए अथवा बी अथवा, ये हमने तीन के लिए देखा है ए बी और सी के लिए, तो ये इसमें पहले क्या होंगे, तीनों ऐड होंगे और उसके बाद दो दो के जितने भी पेयर होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे और तीनों का कॉमन पार्ट एक बार जोड़ना भी चाहिए तो ऐड होगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा घट जाएगा ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी और सी यूनियन ए, तो इधर प्लस चिन्ह रहेगा, इसका भी विशेष ध्यान देना। तो फार्मूला इसको ढंग से क्लियर रखिए, तो ये आपकी समुच्चय की थ्योरी लगभग हो गई है। अब हम इसी में आगे बात करते हैं फलन की और फिर समुच्चय के सवालों को देखेंगे। तो फलन में सबसे पहले ये आपके लिए नया टॉपिक है फलन, और इसमें आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं है आपके 11th में इसका फलन के प्रकार है और फलन क्या होता है और संबंध क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। पहले हम संबंध फलन दोनों को देखते हैं और फलन के बारे में पहले समझते हैं। तो फलन का मतलब बेसिकली होता है, ये वेरिएबल को जब हम किसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम फलन को बोलते हैं अंग्रेजी फंक्शन। फलन आप मान लीजिए कि एक तरह का ऑपरेशन है, या किसी कह सकते हैं कि एक तरह की मशीन होती है कोई खास फलन, जैसे हमने यहाँ एक फलन एफ लिया, तो इसमें हम मशीन में इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, ये क्या है इनपुट वैल्यू, और इधर हमें मशीन से वैल्यू गवर्न होकर क्या मिलेगी आउटपुट वैल्यू। तो अभी मैं बिल्कुल सीधे सीधे बात कर रहा हूँ फलन के बारे में, तो जो भी इनपुट वैल्यू हम फलन को देते हैं ये इसके प्रभाव क्षेत्र कहलाते हैं डोमेन, और जो आउटपुट वैल्यू मिलती हैं ये आउटपुट वैल्यू कहलाती हैं फलन का परिसर या रेंज, और इनपुट वैल्यू कहलाती हैं फलन का डोमेन। तो फलन का नोटेशन एफ से होगा, जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ी है ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने पढ़ी होगी, तो एक्स के टर्म्स में है ये द्विघात, ए बी सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है या ये जो संबंध है ये x के टर्म्स में है, तो हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन ऑफ x है, इसको हम कह सकते हैं कि x का ये फंक्शन है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है आपने, वृत्त का त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है y r, इसको अगर हमें फलन के टर्म्स में लिखना हो तो यहाँ वेरिएबल क्या है r है, तो एरिया को अगर हमें फलन के टर्म्स में लिखना है तो वेरिएबल r है, तो हम यहाँ क्या लेंगे एफ आर, तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा वाई आर स्क्वायर। तो फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल होगा वो इधर एक्स की जगह आएगा,
ठीक है, जैसे गति की द्वितीय समीकरण आपने पढ़ी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम कहें डिस्टेंस एस को टी के फंक्शन में लिखिए, तो इसी को हम कहेंगे एफ टी। एफ टी यहाँ एस को ही शो करेगा और ये बता रहा है कि टी के टर्म्स में है फंक्शन, यानी टी वेरिएबल हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब भी एफ लगा होगा तभी आपको इसकी बात करनी है, और फलन में क्या क्या सूत्र हैं उनको देखना है। और सबसे पहले तो फलन अगर है तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होती है, इनपुट आउटपुट वैल्यू क्या है, इनकी बात करते हैं। तो किसी फलन में हम हर इनपुट नहीं दे सकते हैं, जो भी इनपुट हम दे सकते होंगे जहाँ जहाँ ये वैलिड होगा वो डोमेन कहलाते हैं, और इन इनपुट के संगत जो आउटपुट वैल्यू मिलती है फलन की वो रेंज होगी। तो सबसे पहले हमें इनपुट ही देखना होगा, और इसके लिए हम और आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं फलन का प्रभाव क्षेत्र। तो फलन का प्रभाव क्षेत्र, इसके डोमेन के कई नाम हैं, प्रभाव क्षेत्र और इसी को प्रांत भी बोल देते हैं, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डोमेन। और उस तरह हम इसे इनपुट वैल्यू भी कह सकते हैं, जो इनपुट वैल्यू हम देते हैं ये भी कह सकते हैं। प्रभाव क्षेत्र, प्रांत, डोमेन, इनपुट वैल्यू, ये सभी एक ही नाम को व्यक्त करेंगे, ये मानते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, तो सीधे सीधे हम इसकी डेफिनेशन ये बनाएंगे कि एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय जो हम फलन को इनपुट में दे सकते हैं, उन सभी मानों का जो कलेक्शन है वो या समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, फलन का, उस पर्टिकुलर फलन का प्रभाव क्षेत्र। यानी ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स की वह सभी मान जिन पर फलन परिभाषित हो क्या कहलाता है, प्रभाव क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स के वह सभी मान, एक्स के वह सभी मान जहां फलन परिभाषित हो, यानी परिभाषित होगा क्या मतलब है कि कोई ऐसा मान ना आया जिसको हम अभी ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अपरिभाषित राशियों में अनंत आता है कहीं, तो ये बहुत बड़ी राशि है, अपरिभाषित ही माना जाता है। जीरो बाई जीरो आ रहा है, अनंत माइनस अनंत आ रहा है, तो ये राशियाँ मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से तो दो ही होती हैं लेकिन अनंत को भी यहाँ लेते हैं। तो ये मान अगर कहीं आते हैं किसी एक्स पे, तो वो एक्स हमें हटाने होते हैं, वो हम इनपुट में नहीं दे सकते। जहाँ पर भी अनंत आ रहा होगा वो वैल्यू हम इनपुट में नहीं दे सकते, और ये आप जानते होंगे। तो डोमेन की ये परिभाषा हो गई, तो सभी फलनों का डोमेन अलग अलग रहेगा, और जब हम फलनों के बारे में और गहराई से पढ़ेंगे तो फिर इनकी डोमेन की भी बात होगी, और इसे आपको सीखना भी है। तो ज़रा कुछ मानों की हम बात कर लें। कोई भी परिभाषित राशि है ए, किसी परिभाषित राशि ए में अगर आप जीरो से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, ट्रेंडिंग वैल्यू कहलाती है, अनंत होती है। ए कोई राशि है, दो तीन कुछ भी, नेगेटिव भी होगी, और हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। और किसी भी क्वांटिटी में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ट्रेंडिंग वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कभी भी हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी, जीरो की ओर टेंड करेगी, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। अभी आप आगे लिमिट भी पढ़ेंगे तो लिमिट में ये चीज़ें और अभी दोबारा आएंगी, लिमिट में आपको इसी को पढ़ना होता है। तो यानी ए बाई जीरो इन्फिनिटी और ए बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, टेंडिंग वैल्यू है लेकिन वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो डोमेन की परिभाषा हुई एक्स के वाई सभी मान जहाँ फलन परिभाषित हो उस फलन के प्रभाव क्षेत्र कहलाते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। और ये हमने तरीका हो गया, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, अब हम फलन मान के ही चल रहे हैं, वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये है। तो हम यहाँ कोई भी मान दे सकते हैं और वो मान हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जब हम एक्स बराबर टू रखेंगे यहाँ, तो एक्स बराबर टू पे जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, इन्फिनिटी। तो एक्स बराबर दो हम इस फलन को अब नहीं दे सकते हैं, बाकी कोई भी मान दे सकते हैं रियल नंबर मिले, तो इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा आर माइनस टू, दो हटा दिया जाएगा क्योंकि दो पर ये परिभाषित नहीं है, फलन में से दो हट जाएगा। तो डोमेन आपका फलन के हिसाब से ज्ञात किया जाएगा, फलन क्या दिया है उस आधार पर उसका डोमेन परिभाषित होगा। तो नोटेशन भी हम बात कर चुके हैं, आर का क्या मतलब होता है, एक्स का मतलब जानते ही वेरिएबल है, बिलोंग्स टू, ये जो चिन्ह है इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। तो मैं चिन्हों को आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। तो
जब ये इस तरह होगा तो इसको पढ़ा जाता है सजदेट, और हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, और ये एरो लगा हो इस तरह तो ये होता है इम्प्लाइज दैट, इंगित करता है कि, इम्प्लाइज दैट या इंगित करता है। इसका यूज तब करते हैं जब एक ही स्टेप में हमें कोई कैलकुलेशन लिखनी हो, जैसे इसका उदाहरण भी दे देते हैं, जैसे कहीं लिखा हो ए माइनस बी बराबर जीरो, अगर हम अगली लाइन में लिखेंगे तब तो ए बराबर बी हो जाएगा, अगर यहीं लिखना चाहते हैं तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, यानी इस तरह यूज होगा जब एक ही लाइन में हमें कोई ऑपरेशन लिखना होगा तो इम्प्लाइज का चिन्ह आएगा। और आगे नोटेशन को देखते हैं, ये तो आप जानते हैं यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, और ग्रेटर लेस भी जानते होंगे, जैसे ए लेस देन बी, ये लेस है ग्रेटर भी जानते होंगे, और ये इम्प्लाइज हो गया। अब ये चिन्ह भी आएगा आपका इस तरह, ये इसको पढ़ते हैं फोर आल, यानी सभी मानों के लिए, सभी मानों, जैसे कहीं लिख दिया जाता है एक्स बिलोंग्स टू आर, ये लिख देते हैं फोर आल एक्स, यानी एक्स के सभी मानों के लिए जो भी एक रियल नंबर में आती है, तो ये फोर आल का चिन्ह सच डेट हो गया। और ईटा नोटेशन वगैरह तो आप जानते हैं, और नोटेशन जो आते जाएंगे उनको देखते हैं। फंक्शन का एक नोटेशन है, जैसे इस तरह लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह लिखा होगा आगे, तो इसको पढ़ा जाएगा एफ ऐसा है कि उसका रिलेशन ए से बी में, ए यहाँ पे जो भी एक दिया होगा वो डोमेन होगी, और जो बी होगा वो कोडोमेन होगी, सह प्रांत, कभी इसकी बात आगे होगी, बस ये रेंज के बराबर हो जाता है कभी कभी, तो रेंज ही रेंज साइड कोडोमेन से ही आया, तो ये नोटेशन हो गए। और फलन की डोमेन आपने देखा, अब हम कुछ फलनों की डोमेन की भी बात कर रहे हैं, और देख रहे हैं डोमेन क्या होता है उनका। इसके पहले हम कुछ ऑपरेशन देखते हैं फलनों को, तो जैसे दो माना दो फलन, दो फलन एफ व जी, ऐसा भी इन्हें शॉर्ट में लिख सकते हैं या इसी को कह सकते हैं ये एफ एक्स व जी एक्स, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशन है इनको देखते हैं, चल पहला है कहीं लिखा है एफ इंटू जी और इस तरह लिखा है एक्स, तो अगर दो फलनों का गुणा है ये लिखा है तो इसका मतलब माना जाएगा एफ एक्स गुणा जी एक्स, एक्स दोनों में ऑपरेट हो जाएगा। और ऑपरेशन है भाग वाला, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये लिखा यानी एफ और जी का भाग है और एक्स इनका वेरिएबल है, ये लिखा होता है शुरू में, ये वाला जो पार्ट है ये शो करता है कि एफ और जी रेशियो में है और एक्स इनका वेरिएबल है, तो इसी को हम और तोड़ के लिख सकते हैं एफ एक्स बटी जी एक्स, और इसी तरह गुणा में होगा और इसी तरह प्लस माइनस में होगा, यानी एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स ये हो तो इसका मतलब होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, वेरिएबल वहीं से डिसाइड होगा, जो गिवन होगा वो वेरिएबल लेके चलेंगे। तो ये बहुत आसान ऑपरेशन थी, प्लस माइनस जो भी है वही चिन्ह दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड जो भी है वही हो जाएगा और एक्स ऑपरेट हो जाएगा। और ज़रा अभी पढ़ेंगे इसके बाद संयुक्त फलन, तो बेसिकली आपका यही ज़्यादा यूज होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स में हम इस एक्स की जगह एक्स, ये जो एक्स है ये शो करता है कि हम एक्स जगह कुछ भी दे सकते हैं, ये वेरिएबल होता है एक्स, हमें जो भी वैल्यू चाहिए होगी यही हम एक्स की वही वैल्यू रखेंगे। जैसे हमें एफ टू फाइंड करना, कहीं एफ एक्स गिवन होगा कहेंगे एफ टू की वैल्यू बताओ, तो हम एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हमें यहाँ एक्स की जगह क्या चाहिए होगा टू, तो एक्स जगह टू कब मिलेगा जब हम एक्स इक्वल टू टू पुट कर देंगे, तो सवाल से ही पता चलेगा क्या रखना है, फलन गिवन होगा फिर वैल्यू पूछी जाएगी, तो बहुत सीधा सा है जो भी पूछेगा वो रख देंगे, अगर पूछ रहा है एफ टेन तो एक्स इक्वल टू टेन रख देंगे। और एक्स की जगह जब हम एक फलन को ही रख देते हैं, एक्स की जगह एफ एक्स रख दे तो इसका संयुक्त फलन कहलाता है, तब इसको पढ़ा जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, उसको उसके सवाल आएंगे तो चीजें देख लिया जाएगा। चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं सेट थ्योरी की, फिर आप लोग किताब से अपने क्वेश्चन हल करेंगे और जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे, और जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आप किताब से ही लिख लेंगे, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए पहला एग्जाम्पल है, क्या समुच्चय समान है, क्या दिए गए समुच्चय समान है। समान समुच्चय की मैंने डेफिनेशन बताई थी, या अवयवों की संख्या और मान समान। चलिए लिखते हैं कौन कौन से दो समुच्चय हैं। ए दिया है आपको -2, 2 एक समुच्चय है, और बी आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्मूला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड और x²-4=0। इसको देखना है क्या ये समान है। तो ऐसे केस में आप दोनों को रोस्टर में चेंज करेंगे, तो ये तो रोस्टर में गिवन है, इसको और रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। जरा इसको समझते हैं पहले। वो कह रहा है कि b की वैल्यू x है और x ऐसा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर। जेड मैंने इसको शुरू में आपको पहले टर्म बताया था, जेड वाई एक ही चीज़ होती है, कहीं कहीं जेड लिया गया है, कहीं आई लिया गया है। तो इसका मतलब होता है इंटीजर नंबर्स, यानी सभी धनपूर्ण और सभी ऋणपूर्ण संख्या। 0, ±1, ±2 ये जेड होता है। तो इसको अगर हम जब रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे बी को, तो बी क्या होगा, देखिए अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा इसको। तो x²=4, तो x=2 क्या आएगा, +-2। तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अब हम सीधे एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ, -2 और +2। इधर हम किसी भी क्रम में लिख दें, क्रम का कोई महत्व नहीं, ए और बी अब आपके समान आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस, ए और बी समान है। ये पूछा गया था ये इक्वल है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि इक्वल है, ठीक है। चलिए यहाँ और लेते हैं कुछ। अब उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर लें जरा, तो इसका सूत्र भी देख लेंगे। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर उदाहरण लेते हैं। किसी समुच्चय की उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना, उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका सूत्र भी आपको सीखना है, सूत्र कैसे आता है ये भी सीखना, और ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये वाला ये उपसमुच्चय इसको कहा जाता है। उपसमुच्चय का मतलब, ये उप का मतलब है किसी समुच्चय से जो हम छोटे छोटे जितने समुच्चय बना सकती होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, उपसमुच्चय। तो इसका एक फॉर्मूला है सीधे। तो अगर कोई समुच्चय ए है और इस ए में मान लीजिए आपके 3 अवयव हैं ए बी सी। अब मैं आपसे कहूँ कि इन 3 में से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए बराबर इतना, तो ए के सभी उपसमुच्चय लिखो। हमें इसकी सभी उपसमुच्चय लिखना है, तो हमें ये भी पता होगी कितने होते हैं, तो और आसानी रहेगी। तो ए में कितने अवयव हैं, यहाँ 3। तो अब हमें उपसमुच्चय लिखना है, तो समुच्चय के रूप में ही रहेंगे वो। तो सबसे पहले तो आप फाई ले लिया करिए, क्योंकि फाई तो हमेशा होगा, पहला हो गया फाई। अब हम एक एक लेके बनाते हैं, छोटे छोटे समुच्चय बनाना। तो हमने ए भल ले लिया, ब्रैकेट फॉर्म लगाते जाइए, बी भल ले लिया, ये भी एक समुच्चय होगा, एकल समुच्चय है, सी भर होगा। अब दो दो ले लेते हैं, ए बी होगा एक, ए कॉमा बी, बी सी हो जाएगा। क्रम से यहाँ कोई मतलब नहीं, क्रम का मात्र नहीं होता, ए सी और सी ए कुछ भी लिखा हो दोनों बराबर कहलाएंगे समुच्चय में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये होगा कि हम तीनों ले लें जो दिया है, ये भी हमेशा होगा। तो ये इस तरह भी बनेंगे, इसमें 0 अवयव हैं, इसमें एक है, एक एक के 3 बनेंगे, दो दो अवयव लेके 3 और तीनों वाला एक बनेगा और एक 5। तो कुल कितने उपसमुच्चय आए, 8 उपसमुच्चय आए। तो यहाँ से अब हम इसको एनालाइज कर लेंगे। अगर यहाँ पर 4 होते अवयव तो 16 आते, 2 होते अवयव तो 4 आता। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ही निकलता है कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या
एन पहले हम समुच्चय डिसाइड करेंगे, अवयवों की संख्या एन है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2n होगी। ये टोटल सबसेट्स हैं, लोग आते हैं कभी कभी पूछता उचित उपसमुच्चय, तो उचित में 5 को हटा दिया जाता है तो ये कम हो जाएगा, उचित उपसमुच्चयों की संख्या प्रॉपर सबसेट बोलते हैं तो वो हो जाएंगे 2n-1, उचित में 5 हटा देंगे कम हो जाएगा। अगर कहता है कुल उपसमुच्चय बताइए तो आप 2n ही लेंगे, उचित शब्द लगा लगा है तो एक हटा देंगे, कहीं कहीं 2 भी हटाया है लेकिन इसको विवाद है थोड़ा सा, कहीं कहीं ABC वाले को भी हटाया है लेकिन आप एक ही हटाइए। तो इस पर भी उदाहरण एक लेते हैं, लिखते हैं अलाहाबाद ALLAHABAD। अलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले समुच्चय की कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, की संख्या बताओ। क्या मतलब हुआ इसका? पहले हमें अलावा शब्द से क्या बनाना है, समुच्चय किस तरह बनेगा, कलेक्शन करेंगे। इसका तरीका क्या बताया था कि आप सभी जितने भी अलग अलग अवयव होंगे उनको लेके पहले वेल डिफाइन करके उनका समुच्चय बनाएंगे, फिर उस आधार पर उप समुच्चय निकालेंगे। तो इसको देखते हैं, इसका हल देख लीजिए। तो सबसे पहले इलाहाबाद में कुल कितने अक्षर हैं, तो इलाहाबाद से जो समुच्चय बनेगा उसको लिखते हैं। समुच्चय में हमें क्या करना होता है कि सभी को हमें लेना होता है, कोई दो बार नहीं लेना है और ना यहाँ क्रम का मात्र। तो सबसे पहले ए ले लेंगे, एल कई बार है, दो बार है तो एक ही बार लेंगे, तो ए अब नहीं लेना है, ले चुके हैं। एच, उसके बाद बी, उसके बाद डी, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो भिन्न भिन्न कितने अवयव आए, 5, 1, 2, 3, 4। तो ये समुच्चय बना, पहले तो हमें इससे समुच्चय बनाना, इसके बाद उप समुच्चय निकालना है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5, क्योंकि 5 अवयव हैं भिन्न भिन्न, ये संख्या 5 ही ली जाएगी यहाँ भाई। इससे पहले हमें बनाना था समुच्चय, समुच्चय में एक्चुअल में 5 ही अवयव आएंगे, रिपीट वाले का यहाँ कोई मार्क नहीं होता। तो अब हम उप समुच्चय लिखते हैं इसकी, उप समुच्चयों की संख्या यहाँ पर सीधे सीधे पूरी संख्या लिखनी है तो फार्मूला होता है 2n। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 32। तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल उप समुच्चय होंगे 32।